सभी का मैं साहिल फिर से स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आया हूं वो है शहाबुद्दीन अल उमरी का। आप सभी जानते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। ठीक, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। आज इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, इसका पूरा नाम जो था शहाबुद्दीन अल उमरी था। ठीक है, शहाबुद्दीन अल उमरी था। इनकी पुस्तक का नाम है मसालिक उल अबसार फी मसालिक उल अमसार। ठीक है, इनकी जो ये पुस्तक है, ठीक है, इनकी जो ये पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनकी जो पुस्तक है वो अरबी भाषा में लिखी गई है। इनकी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ऑटो स्पाइस, इनकी पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ऑटो स्पाइस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अल उमरी के बारे में। इनकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के सैन्य अभियानों की विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ ही भारत की अतुल संपत्ति व 90 बंदरगाहों का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक में किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि अल उमरी जो थे वो दमिश्क के निवासी थे। ठीक है, दमिश्क के निवासी थे। इनकी जो रचना है मसालिक उल अबसार फी मसालिक उल अमसार, इनकी जो ये रचना है ये इतिहास भूगोल और जीवनियों का एक वृहत संग्रह है। ऐसा बताया जाता है इनके बारे में कि अल उमरी कभी भारत नहीं आए थे, वैसे ही जैसे प्राचीन काल में हेरोडोटस ने भारत का विवरण कुछ यात्रियों से प्राप्त कर लिखा था, ऐसा ही सेम इनके बारे में बताया जाता है कि अल उमरी कभी भारत नहीं आए थे। उन्होंने यहाँ का विवरण यानी भारत संबंधी विवरण शेख मुबारक, ठीक है, शेख मुबारक और खोजंदी, ठीक है, शेख मुबारक और खोजंदी नामक यात्रियों से प्राप्त किया जो भारत से होकर मिस्र पहुँचे थे। ठीक है, जो भारत से होकर मिस्र पहुँचे थे। एक इनका स्टेटमेंट है जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ये बताते हैं कि विदेशियों का सोना हजारों वर्षों से भारत आता रहा है लेकिन यहाँ से कभी बाहर नहीं जाता। ध्यान से सुनेंगे कि विदेशियों का सोना हमेशा से भारत आता रहा है। ठीक है, ये बताते हैं कि विदेशियों का सोना हजारों वर्षों से भारत आता रहा है लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाता। ठीक है, ये दिल्ली के नागरिकों के विषय में भी जानकारी देते हैं कि यहाँ के लोग हिंदी व फारसी भाषा में दक्ष थे और उनमें से कुछ लोग दोनों भाषाओं में कविताएं वगैरह करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं इनकी। ठीक है, इन्होंने भारतवर्ष की अतुल संपत्ति जलवायु फल फूल यहाँ की उपज आदि का जो है विस्तृत विवरण दिया है। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक कालीन विजयों व उसके समय में प्रांतों की संख्या का भी उल्लेख किया है। इन्होंने साथ ही दिल्ली के गौरव और दौलताबाद के बसने की योजना का भी विस्तार से वर्णन अपनी पुस्तक में दिया है। इन्होंने डाक व्यवस्था गुप्तचर व्यवस्था आदि का सुंदर चित्रण या आदि का सुंदर विवरण अपनी पुस्तक में दिया है। इन्होंने भारतवर्ष में व्यापार माप तोल सिक्कों आदि का भी जो है जिक्र अपनी पुस्तकों में किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद अरब भूगोल वेत्ता अल कल काशिंदी, ठीक है, कहीं पे काशिंदी भी मिल जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी पुस्तक का हिंदी अनुवाद अरब भूगोल वेत्ता अल कल काशिंदी की सुबहुल आशा, ठीक है, के आधार पर किया गया है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम यूं ही आप लोगों के सामने तरह तरह के इतिहास से संबंधित वीडियो लेकर प्रस्तुत होते रहें। आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।